तालिबान ने 80 घंटे की फास्टिंग। बॉडी के पास ना सर फ्यूल के लिए दो सोर्सेज हैं, जो जितना मोटा बंदा है उसकी 40 पे शुगर चाहे पहुंच भी जाए, लेकिन बॉडी तो ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल का ऐसे फ्यूल इस्तेमाल करता है, तो उसकी अगर 40 तक पहुंच गया और उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी अडेप्ट कर गई है दूसरे फ्यूल पे। दूसरे फ्यूल पे आपको याद होगा वो हमारी जो एक कॉलीग हैं सोनिया तसद, उनकी बेटी ने स्कॉटलैंड में, जो स्कॉटलैंड या आयरलैंड में, जी उनकी बेटी रेबा ने 80 घंटे की फास्टिंग की थी। ठीक है, 80 घंटे की, बिल्कुल। अच्छा, वो लाहौर में भी एक खातून है सनातर, उन्होंने तो अखीर कर दी, अखीर कर दी। वैसे तुम बताओ कितने कितने घंटे से सर? वो 10 दिन फास्टिंग की है, और इस दौरान उन्होंने लगातार अपनी शुगर चेक की है, ब्लड प्रेशर चेक की है, और इवन मेरे डिस्करेज करने पे आपके सर, मैं आप बस वो कराची में था, मुझे ये था कि ऐ बजाना पैर में, मैं उसे कॉल करके मैडम आप अपनी फास्टिंग ब्रेक करें और आपको अब आपने फास्टिंग ऐसे कंटिन्यू नहीं करना था। सर मैंने करनी, मैं उस सना को ना तकरीबन हर तीसरे चौथे घंटे में व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था उनको, और सर आपकी तबीयत चौथे में कर रहा हर घंटे कर रहा था, तो मैं उनसे दो चीजें पूछ रहा था, आप हाउ यू फीलिंग, बीपी कितना है और शुगर कितने। उसने कहा जी मैंने अभी शुगर चेक नहीं की, लेकिन मैं तो कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, ये बंदे की शुगर लो ना कंप्यूटर पे, वो उठ नहीं सकता, तो आप मेंटल वर्क कैसे कर सकता है। तो 10 दिन पे सर, ये तो हमारे पास सब एविडेंस आ गया कि अगर कोई मेडिसिन नहीं ले रहा तो उसकी शुगर लो नहीं होगी 10 दिन तक। ठीक है, तब वो जिगर वाला फिनोमिना काम, जिगर वाला फिनोमिना। अच्छा, 10 दिनों में सना का 8 किलो वजन कम हुआ। डॉक्टर साहब ये तो खैर एक्सट्रीम केस हो गया, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, वैसे तो दुनिया में एक बंदा भी है उसके 283 डेज की उसने वाटर फास्टिंग की हुई है, स्कॉटलैंड का था वो। उसने जब उसकी जो रिपोर्ट्स आती थी ना, तो उसकी शुगर एक्चुअली 30-40 पे आ जाती थी। सही, ठीक है, लेकिन वो बंदा फिट होता था, तो वहां पे मेरे ख्याल वो कीटोन वाला जो चक्कर है कि वो उसकी बॉडी कन्वर्ट होगी। बॉडी के पास ना सर फ्यूल के लिए दो सोर्सेज हैं, मतलब पेट्रोल, दूसरा सीएनजी। एक पेट्रोल होती है, एक तो है शुगर ग्लूकोज, और दूसरे नंबर पे है ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल। बुरे वक्तों के लिए उसने ये रखा होता है कि अगर इन केस ग्लूकोज ना हो तो मैंने अपना सोना जेवर बचा के रखा हुआ है, तो मुझे जहां कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं कोलेस्ट्रॉल का एज ए फ्यूल इस्तेमाल। ओके, वो जैसे ही हम किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग वाटर फास्टिंग करवाते हैं तो ग्लूकोज के सबसे पहले तो सर 7-8 घंटे का बंदे ने खाना खाया होता है, उसके बाद फिर लिवर एक्टिव हो जाए। जिगर लिवर कितने घंटे तक आपको सर 7-8 घंटे तक का कवर दे सकता है सर? ओके, लिवर जी, उसके बाद फिर आ जाती है फैट बर्निंग। फिर अच्छा जब लिवर दे रहा होता है फैट बर्निंग, तब पीछे से स्टार्ट हो जाती है हल्की, क्योंकि वो ऐसा ऐसा टाकी शाकी फेरना शुरू कर देना है, फिर उसके बाद फैट जो है ना वो अल्टीमेटली सारी वही यूज हो रही है एज ए फ्यूल। ओके, और तो आप देखें कि फैट के इतने ज्यादा रिजर्व्स हैं, जो जितना मोटा बंदा है उसकी शुगर तो है ही चर्बी का ड्रामा है। जो कह रहे हैं कि उसकी 40 पे शुगर चाहे पहुंच भी जाए, लेकिन बॉडी तो ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल का ऐसे फ्यूल इस्तेमाल करता है, तो उसकी अगर 40 तक पहुंच गया और उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी अडेप्ट कर गई है कोई मजबूरी नहीं है। फेसबुक पे मेरा नाम अशरफ चौधरी है, फातिह जबीतस के नाम से पेज है। वैसे भी अगर आप गूगल में अशरफ चौधरी सर्च करें तो आपको सारे मेरे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज ये मेरी वीडियो हर शुगर पेशेंट तक आप पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ओम जय।